हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? देखिए, पढ़ाई ज़रूरी है, ये निश्चित सी बात है, लेकिन उसके साथ में खुद का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना? तो आप पढ़ाई करें, उसी के साथ में अपना ध्यान भी रखते चलिए। ओके, तो आपको जैसे बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, आज अपन एग्जाम्पल करेंगे। दो एग्जाम्पल जो हैं वो दिए हुए हैं, तो वो एग्जाम्पल अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? दो एग्जाम्पल 6.2 और 6.3 हैं, दोनों एग्जाम्पल बोर्ड में आ चुके हैं, तो अपन वो सवाल करेंगे। देखिए, जो 6.2 वाला एग्जाम्पल है वो सामने मैंने बना दिया है, बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? अब इस एग्जाम्पल में पूछा क्या है? इस एग्जाम्पल में पूछा है कि I2, I1 और I3, ये जो तीन धाराएं हैं ना, ये हमें कैलकुलेट करनी है। किसके नियम की सहायता से करेंगे? सीधी सी बात है, KCL और KVL लगाएंगे, और आपको आते हैं वो, है ना? चलिए, तो काम करना चालू करते हैं। देखिए, सामने वाला है, मैं सबसे पहले तो KCL लगाओ, कोई भी सर्किट देखिए उसमें सबसे पहले KCL लगाओ कि KCL से क्या इक्वेशन बन रही है। तो यहाँ पर दो जंक्शन है, F और C। जंक्शन तो पता चले ना, संधि बोलते हैं जिसे, ठीक है? तो हमने लिखा, समझिएगा, संधि F पर, ठीक है? कौन से नियम से? KCL से। अगर ऐसा लगाया जाए तो आप गौर कीजिए, ये जा रही है, इस संधि से I2 जा रही है, फिर ये I1 भी जा रही है, लेकिन I3 आ रही है। तो आती हुई धारा, इसका मतलब है I3 बराबर होनी चाहिए जाती हुई धाराओं के योग के। जाती हुई धाराएं कौन सी हैं? I1 और I2। तो I1 प्लस I2, ये इक्वेशन बन गई। I3 बराबर है I1 प्लस I2। अगर आप C बिंदु पर भी ये देखते, मतलब C संधि पर भी अगर हम ये देखते, तो क्या होता? I1 आ रही है और I2 आ रही है, यहाँ पे I3 जा रही है, तो जाती हुई धारा आती हुई धाराओं के योग के बराबर हमें प्राप्त होती। ओके, तो कुल मिलाकर के यही मान मिलने वाला था। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर, आप क्या दे सकते हैं? फर्स्ट दे सकते हैं। इसे हमने क्या दे दिया? समीकरण नंबर 1 दे दिया है। अब हम काम करते हैं केवीएल से, जो समझना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, ऐसी इक्वेशन बनाएं जिससे आपका काम आसानी से हो जाए। चूंकि अपन फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो अपन पहले सारी इक्वेशन ही देख लेंगे, ठीक है? ओके, तो काम करते हैं अपन। सबसे पहले एक ये वाला लूप ले लेते हैं, ऐसा, ठीक है? ये छोटा सा लूप है, और एक ये बड़ा लूप है, और एक ये और लूप है। तीन लूप है इसके अंदर, तीनों लूप को अपन एक बार के लिए स्टडी करेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले मैं लूप ले रहा हूँ FCDEF, ठीक है? तो हमने लिखा लूप FCDEF में किससे? KVL से, ठीक है? चलिए, अब KVL से इक्वेशन लिखते हैं बच्चों। तो इक्वेशन हमारे पास में क्या आ रही है? चलो पहले बैटरी देखो, बैटरी सिर्फ एक ही लग रही है, और वो भी कितने वोल्ट की? 10 वोल्ट की। दिखाई दे रहा होगा 10 वोल्ट लिखा हुआ, ये 10V है, और हम लूप ऐसा चल रहा है, लूप ऐसा चल रहा है, और आप बैटरी के कौन से प्लस के टर्मिनल से बाहर निकल रहे हैं, इसका मतलब ये 10 वोल्ट प्लस का लिखा जाएगा, ठीक है? 10 लिख दीजिए सिर्फ और सिर्फ, बराबर, ठीक है? अब ऐसे चलते हैं यू, अगर ऐसा चल रहे हैं अब दूसरी तरफ, क्योंकि एक ही बैटरी लगी हुई थी, तो ये काम तो हो गया इसका 10 वोल्ट वाला, तो ठीक। अब दूसरी तरफ देखना है, विभव पतन देखना है प्रतिरोधों के स्वरूप पर, ऐसा जा रहे हैं, लूप की डायरेक्शन भी वही है जो कि धारा की डायरेक्शन है, तो फिर विभव पतन प्लस का लिखा जाएगा। तो आप गौर कीजिए, I1 किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए? 6 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? 6 I1, ठीक है? फिर इसके बाद में ऐसा गए, I3 इधर आ रही है, तो यही I3 इसमें भी प्रवेश कर रही है, ये I3 है, ठीक। I3 किससे मल्टीप्लाई होगी? 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो 2I3 हो जाएगा, और प्लस का लिखा जाएगा या माइनस का? लूप की डायरेक्शन में ही चल रहे हैं, लूप की डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो प्लस का लिखा जाएगा, तो ये लिखा जाएगा 2I3, ठीक है? ये बात समझ में आई? अब आप चाहें तो पूरी इक्वेशन को I1 और I2 में भी रख सकते हैं, है ना? कैसे? I3 जो है वो लिखी जा सकती है I1 प्लस I2 लिखी जा सकती है, तो मैं यहां से बोल देता हूं, समीकरण 1 से हमने क्या रख दिया? मान रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा? 10 बराबर 6 I1 प्लस 2
और यहां से I3 का मान रखा अपन ने I1 प्लस I2। चलो सॉल्व करो, 6 I1 प्लस 2 I1 प्लस 2 I2, ऐसा ही होगा क्या? ये 2 गुणा हो जाएगा इन दोनों से, ये कितना हो जाएगा, 8 I1 हो जाएगा क्या? तो ये हो गया 8 I1 प्लस 2 I2 बराबर में क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है, ये एक इक्वेशन बनी, एक इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2। मैं आपको सिर्फ इतनी राय दूंगा कि जब भी आप कोई इक्वेशन बनाए तो उसके नीचे जगह छोड़ दीजिए, कि उस इक्वेशन में आगे वाली इक्वेशन के अनुसार अगर कोई बदलाव करना पड़े तो हम उसी इक्वेशन के नीचे कर सकें। मेरी बात को समझ रहे हैं? चलिए, ये और तरीके से समझ में आ जाएगा जब ये हम सवाल करेंगे। तो अभी मैं इक्वेशन को हटा देता हूं, क्या पता कि किसी में कोई बदलाव करना पड़े। तो एक इसके नीचे मेरे पास में जगह है, मैं वहां पे बना देता हूँ, नहीं तो ऊपर एक लाइन छोड़ करके चलूंगा। आप भी अपनी कॉपी में जब भी कोई इक्वेशन बनाएंगे तो आप लाइन छोड़ दीजिएगा, बनने के बाद में 2 लाइनें छोड़ दीजिएगा, ताकि उस इक्वेशन में और कोई चेंजेस करने हैं तो वो हो सके वहां। बात समझ में आ गई? चलिए, तो अब अपन लूप ले रहे हैं। देखो ये हो चुका है, अब ये वाला लूप ले लेते हैं, ये वाला लूप ले ले, ये सिंपल पड़ेगा। कौन सा लूप है? तो यहां पे मैं यहां से लिखना चालू कर रहा हूं, लूप ए, ए से गए बी, बी से गए सी, डी ई एफ ए में, और वापस से किसे लिखा जाएगा, के वी एल से। ये लिखने का तरीका यही रहना चाहिए। चलिए, इस लूप में अगर अपन ऐसा चल रहे हैं, यू, ठीक, आप गौर करो, अगर अपन ऐसा चलते हैं तो ये जो 14 है, 14 वोल्ट आपको दिखाई दे रहा होगा बैटरी वाला केस, वो प्लस का लिखा जाएगा या माइनस का लिखा जाएगा? तो ऐसा चले ना बच्चों, यू चले, तो बैटरी के कौन से टर्मिनल से बाहर निकले, माइनस के से, तो यहां पर लिखेंगे माइनस का 14। ठीक है, अब एक ही बैटरी थी, हो गया का, ओके। अब आगे देखो, ऐसा चलते हैं, यू, प्रतिरोध कितने, एक तो ये आला प्रतिरोध आ रहा है, एक ये प्रतिरोध आ रहा है, ये प्रतिरोध आ रहा है I3 के साथ वाला, I3 किससे गुणा होगा, 2 से, लूप के साथ में धारा की दिशा भी वही है, प्लस का निशान होगा विभवपतन में, है ना? तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पर क्या आएगा, I3, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर देखो, ऐसा से यू, धारा भी ऐसे जा रही है, लूप भी ऐसा ही जा रहा है, तो फिर ये इससे गुणा होगा, विभवपतन प्लस का लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये लिखा जाएगा 4 I2। बात समझ में आ गई क्या? देखिए, इससे पहले वाली इक्वेशन हमने I1 और I2 में कन्वर्ट की है, तो मैं इस इक्वेशन को भी चाहूंगा कि ये भी I1 और I2 में कन्वर्ट हो जाए, उसके लिए I3 का मान रखा जा सकता है। ठीक, तो हमने क्या किया, I3 का मान रख दिया, तो आप लिख दीजिएगा समीकरण 1 से मान रखने पर क्या हो जाएगा, 2 I3 की जगह अपन ने लिख दिया क्या, I1 प्लस I2 प्लस 4 I2। ओके, सॉल्व करो, 2 I1 प्लस 2 I2 प्लस 4 I2, ठीक, और यहां पर कितना है, माइनस का 14। चिन्ह मत भूल जाना, नहीं तो सारा सवाल गड़बड़ा जाएगा। 2 I1 ऐसा का ऐसा, और ये कितना हो जाएगा, 6 I2 बराबर माइनस का 14। गौर करो, 2 इक्वेशन I1 और I2 में पता चल रही है, दिमाग पता चल गया होगा। ठीक है, अब अगर मैं गौर करूं तो मेरे को क्या करना है, या तो I1 निकालूं या I2 निकालूं, कैसे ना कैसे करके कोई ना कोई चीज़ तो निकालनी पड़ेगी। ठीक, क्या तरीका कर सकते हैं, तो एक अच्छा सा तरीका जो मेरे को लग रहा है, जो अपन यूज कर सकते हैं, वो ये है कि यहां से 2 को कॉमन ले लीजिए आप। ठीक है, 2 को कॉमन लोगे तो क्या होगा, वो देखिए, ये हो जाएगा क्या बच्चों, I1 प्लस 3 I2, ठीक है, बराबर माइनस का 14, 2 का भाग लगा तो माइनस का 7 आ जाएगा, माइनस का 7 बराबर I1 प्लस 3 I2। बताओ लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं, 2 का भाग लगा दिया है मैंने तो 7 आ गया माइनस का, और ये ऐसा का ऐसा आ गया। यहां से I1 का मान निकाल लीजिए, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, ये इस तरफ ले आए, माइनस का 7 तो इधर पहले से था, और माइनस का 3 I2 और आ जाएगा। पता चल गया क्या, I1 बराबर माइनस का 7 और माइनस का 3 I2। ठीक, इसे समीकरण नंबर 2 दे दीजिए, और इसे समीकरण नंबर 3 दे दीजिए।
समीकरण तीन से समीकरण दो में मान रखने पर बताओ भाई होगा नहीं होगा, हो जाएगा। और एक वैल्यू आनी चाहिए बच्चों, फिर तो सारी वैल्यू अपने आप आती है। तो अपन क्या कर रहे हैं, समीकरण दो व तीन से, और वैसे किया क्या है, समीकरण तीन से अपन ने मान रखा है किसमें, दो में। तो 10 यहां पर था पहले से ही, बराबर 8i1, 8 और i1 का मान माइनस का 7 और माइनस का 3i2, ठीक। और ये रख दिया, और उस तरफ क्या है 2i2, देखो 10 ऐसा का ऐसा लिखा है मैंने, 8 ऐसा का ऐसा लिख दिया वहां पर, i1 की जगह जो आपको वहां दिख रहा है i1 की जगह ये वाली वैल्यू पुट करती है, फिर प्लस का 2i2 प्लस का 2i2। सॉल्व कीजिए इसे, 8 7 56 होता है मेरे हिसाब से, तो ये 56, 8 3 24 माइनस का 24 i2 प्लस कितना हो गया ये 2i2 बराबर में यहाँ 10। अगर मैं इसको उठा करके इस तरफ लेकर जाऊं तो ये प्लस का जाएगा क्या, तो ये हो गया 10 प्लस 56 बराबर माइनस का 24 i2 प्लस 2i2, ठीक। आप गौर कीजिए ये कितना हो जाएगा, माइनस का 12 माइनस का 22 i2 बराबर में ये कितना हो गया 66। तो इसका मतलब i2 बराबर कितना आ गया, 66 में भाग लगेगा माइनस के 22 का, बराबर माइनस का 3 आएगा क्या, मात्र क्या एम्पियर। तो ये i2 का मान माइनस का 3 एम्पियर हो गया। अब आप एक चीज समझिए, धारा जो है वो ऋणात्मक नहीं होती, तो यहाँ पर फिर ये माइनस कैसे आ गया, इसका मतलब यह है समझ लीजिए कि अगर धारा माइनस की दिखाई दे रही है ना बच्चों, तो आप ये समझिए कि वो जो धारा की दिशा ली गई है यहाँ पे, ये जो i2 की दिशा ली गई है, वास्तविकता में ये i2 की दिशा नहीं है, इसके विपरीत दिशा है, ऐसी i2 ऐसे नहीं बह रही है सर्किट में, ये गलत दिशा है, ये ऐसी बह रही है, बात समझ रहे हैं। तो ऋणात्मक चिन्ह प्रदर्शित करता है कि धारा की दिशा प्रदर्शित धारा की दिशा से विपरीत है, ठीक है, ये ध्यान में रख लीजिएगा, लेकिन अपना आंसर एक्यूरेट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके हो गया, चलिए अगर i2 आ गया तो i2 का मान यहां रख दीजिए समीकरण तीन में, तो समीकरण तीन में i2 का मान रखने पर, i2 का मान जैसे ही रख देते हैं तो ये क्या आएगा, माइनस का 7 ऐसा का ऐसा, माइनस का 3 और i2 का मान माइनस का 3 बराबर है i1, ठीक है। गौर कीजिए, माइनस का 7 प्लस का 9 हो गया क्या, 3 3 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, बराबर में i1। तो इसका मतलब i1 का मान कितना हो चुका है, प्लस का 2 एम्पियर। ये किसका मान है, ये जो i1 यहाँ बह रही है ना, और ये बिल्कुल सही दिशा है i1 की, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए i1 का मान हमारे पास में आ गया, i2 का मान हमारे पास में आ गया, बताओ भाई i3 निकलेगा नहीं निकलेगा, समीकरण एक है तो हमने लिखा समीकरण एक में, समीकरण एक में i1 व i2 का मान रखने पर, अब तो ये सॉल्व हो ही गया बच्चों, i3 बराबर i1, i1 का मान 2 प्लस i2 माइनस का 3, जोड़ोगे तो कितना आएगा, माइनस का 1 एम्पियर। वापस से धारा की दिशा गलत है, i3 ऐसे नहीं बह रही है, ऐसे बह रही है यू, ठीक है, नीचे की तरफ बह रही है, पता चलाइए। तो कुल मिलाकर के ये लिख दीजिएगा, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, तीनों आंसर लिखिएगा। ये पूरा करने के बाद में एग्जाम में अगर आता है तो आप क्या लिखेंगे, अतः i1 बराबर ये, i2 बराबर ये एवं i3 बराबर ये, एंड में उसे अलग से दिखना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आसानी से हो गया होगा, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि ये इसी तरीके से किया जाए, आप शायद ये लूप भी ले सकते थे, ठीक है, इस लूप से भी हो जाता, ठीक है, जैसा जिस समय दिमाग चले वैसे कर लीजिएगा,
ठीक, बस मैं आपको यही कहूंगा कि जो पहली आप इक्वेशन बनाएं इस तरीके की, उसके नीचे दो लाइनें छोड़ दें, कि उसमें कुछ चेंजेस करना पड़ जाए तो हम आसानी से उन दो तीन लाइनों में चेंजेस कर सके। ठीक है, चलिए ये यहीं पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वो भी बोर्ड का ही क्वेश्चन है। हाँ बच्चों, अभी भी सब्सक्राइब आप लगातार नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा, वीडियो को एंड तक देखें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें बच्चों, क्योंकि इतना हक तो बनता है बच्चों। ओके, तो चॉक चेंज करनी पड़ेगी शायद, नहीं तो ये दिखते रहेंगे, है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है 6.3 एग्जाम्पल, और 6.3 एग्जाम्पल देखिए क्या बोल रहा है। पहले मैं सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, उसके बाद में काम करते हैं। दिखने में ये एग्जाम्पल जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मेरी बात समझें तो ये बहुत ज़्यादा इजी आपको प्रतीत होगा। ये एक घन है और घन की प्रत्येक भुजा पर प्रतिरोध लगा हुआ है, समान परिमाण का प्रतिरोध लगा हुआ है। और प्रतिरोध 1 ओम का है, चलिए 1 ओम की जगह मैं आर लिख देता हूँ, स्मॉल आर या कैपिटल आर जो भी आप लिखना चाहें आप लिख दीजिएगा, मैं आर लिख रहा हूँ। और आर का मान ध्यान में रखिए, जो सवाल में दिया हुआ है वो 1 ओम है, बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे अपन, ठीक है। तो अपन एक यूनिवर्सल फॉर्मूला बना लेंगे इस सवाल के लिए, और फिर कुछ इस तरीके से सर्किट कनेक्टेड है। ई विद्युत वाहक बल की बैटरी। ओके, हाँ ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है वो सवाल, मैं पढ़ बताता हूँ आपको। ये कुछ ऐसा बोल रहा है कि 10 वोल्ट तथा नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी एक घनीय जाल के विकर्ण तय सम्मुख कोणों से जोड़ी गई है। विकर्ण तय सम्मुख कोणों से जोड़ी गई है एक बैटरी, कितने वोल्ट की, 10 वोल्ट, और इसके पास में कोई आंतरिक प्रतिरोध नहीं है, ठीक है। परिपथ जाल में 1 ओम प्रतिरोध के 12 प्रतिरोधक हैं, इनको आप देखोगे तो ये टोटल कितने हैं, 12 है, सीधी सी बात है, वैसे भी 12 ही भुजाएं होती हैं घन के अंदर। परिपथ जाल का समतुल्य प्रतिरोध तथा घन के प्रत्येक किनारे के अनुदिश विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। देखिए वो क्या बोल रहा है, एक तो समतुल्य प्रतिरोध, ये कॉमन सवाल है, टोटल प्रतिरोध पूछता है, ठीक है, और बोल रहा है कि धारा जो है वो प्रत्येक भाग में कितनी जा रही है, ठीक। अब इसके लिए आप क्या करें, तो पहले हमें नामकरण करना पड़ेगा, तो मैं नामकरण कर देता हूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, सारे कोने हो चुके हैं, 8 ही कोने होते हैं वैसे भी घन और घन आपके अंदर। अब देखो धारा समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पार्ट में। ओके, अब धारा समझिए, धारा कैसे देखी जाएगी वो देखते हैं एक बार के लिए।
तो देखो, इस तरीके के सवाल के अंदर जहां धारा बट रही हो वहां पर आप धारा, टोटल धारा, कुल धारा जो है वो आई ने मान करके आप ज्यादा मान लीजिए, जितनी बार में वो बट रही है उतनी मान लीजिए। तो मैं ऐसे बोल रहा हूं कि अगर धारा, कुल धारा यहां से आ रही है तो ये धारा यहां पर आकर तीन भागों में बटेगी और तीन बराबर भागों में बटेगी। रीजन क्या है? इसके सामने अगर आप प्रतिरोध देखेंगे तो ये तीनों बराबर प्रतिरोध है, ठीक है? तो ये तीन बराबर भागों में बटेगी। तो मैं यहां पर मान लेता हूं कि शायद 3 एम्पियर की धारा आ रही है। आप इस सवाल को 6 एम्पियर से भी कर सकते हैं, ठीक है? चलो मैं इसे 6 एम्पियर से कर देता हूं। आपकी बुक में ये 3 एम्पियर से किया हुआ है, ठीक है? तो आप बुक वाला भी यूज कर सकते हैं और ये मेरा वाला भी यूज कर सकते हैं। तो अपन इसे 6 एम्पियर से कर रहे हैं, देखना 6 एम्पियर से थोड़ा सा सरल हो जाएगा हमारे पास में ये काम। तो 6 एम्पियर की धारा यहां से आई, सॉरी एम्पियर नहीं लगाना चाहिए, 6 I लिखना चाहिए। धारा तो हमें ज्ञात करनी है, कुल धारा का मान कितना है? 6 I, ठीक है? ये 6 I आई और यहां पर ये तीन भागों में बटी, बराबर भागों में बटी। तो तीन बराबर भाग अगर मैं करूं इस 6 I के, तो ये होगा 2 I, यहां पर भी 2 I और यहां पर भी कितना? 2 I। ये 2 I है भाई, ये बात ध्यान में रखना। यहां पर कितनी धारा जा रही है? 2 I धारा जा रही है। अब समझिए, ये 2 I धारा यहां से गई बी पॉइंट पे पहुंची। बी पॉइंट पे देखो, एक भाग ये जा रहा है आर प्रतिरोध में, एक ये, दोनों प्रतिरोध समान है। तो यहां से 2 I वापस से दो बराबर भागों में बटी, तो इधर भी आई जाएगी और इधर भी क्या जाएगी? आई जाएगी। इस वाले भाग में भी आई और इस वाले भाग में भी आई। ऐसे ही ये 2 I जा रही है यहां से, ये 2 I गई इधर वाले भाग में, इधर भी आर प्रतिरोध है, इधर भी आर प्रतिरोध है, वापस से बराबर भागों में बटी और हमने कहा कि ये आई और ये आई, ठीक है? ये यहां से 2 I जा रही है, इधर आर प्रतिरोध है, इधर भी स्मॉल आर प्रतिरोध है, बराबर दो भागों में बटनी चाहिए थी, इधर भी आई गई और इधर भी आई गई, ठीक है? अब गौर करो, तो यहां से आई धारा और यहां से आई धारा आ रही है और इसमें ये धारा ऐसे जा रही है, तो आई और आई हो जाएगी कितनी? 2 I। पता चला? फिर ये आई आई और ये इधर आई आ रही है, इसमें कितनी जाएगी? 2 I। फिर यहां, सॉरी, ये आई यहां से आ रही है, ये आई यहां से आ रही है, तो इसमें कितनी जाएगी? वापस से 2 I जाएगी। 2 I इधर से, 2 I इधर से, 2 I इधर से, वापस से आप देखोगे तो कितनी? 6 I धारा, ठीक है? पता चल गया। तो इस तरीके से आप धारा जो है वो लिखने वाले हैं इस सवाल के अंदर, ठीक है? थोड़ा सा ज्यादा हो चुका है लेकिन समझ में आ गया होगा। ओके, अब काम करते हैं। काम किस तरीके से किया जाएगा? तो आप क्या करें, केवीएल लगाएं। केवीएल, एक लूप सेलेक्ट कर लीजिए। अब इसके अंदर आप कोई भी लूप ले लीजिए, सभी में एक तरीके की इक्वेशन बनेगी। तो उससे पहले, लूप सेलेक्ट करने से पहले आप समझ लीजिए कि क्या चीज है। तो आप बोलेंगे कि ये जो वोल्टता है वो तो 10 वोल्ट की है और कुल धारा जो है, कुल धारा ये ध्यान में रखिएगा, कुल धारा कितनी है हमारे पास में? 6 I है। ये हमने मानी है कि माना कुल धारा कितनी है? 6 I। और इस घनीय जाल का तुल्य प्रतिरोध, घनीय जाल मतलब ये पूरा, इस पूरे जाल का क्या तुल्य प्रतिरोध अपन मान के चल रहे हैं? आर इक्विवेलेंट। क्या मान के चल रहे हैं? आर इक्विवेलेंट, तुल्य प्रतिरोध है, ये बात ध्यान में रखें। और हमें क्या दे रखा है? ये जो स्मॉल आर है ना, ये सारे के सारे कितने ओम के हैं? 1 ओम के हैं। तो अगर मैं चीज समझू तो मैं बोलूंगा प्रतिरोध को अगर मैं धारा से गुणा कर दू तो मैं तुल्य वोल्टता के ऊपर आ जाऊंगा। ये तो ओम का नियम बोलता ही बोलता है, ठीक? तो सबसे पहली इक्वेशन जो मेरे पास में बनती है या जो हमें समझ लेनी चाहिए वो ये है कि धारा को, जो कि 6 I है, उसे प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध से गुणा करने पर, कुल धारा गुणा कुल प्रतिरोध बराबर अप्लाइड वोल्टता, जितनी वोल्टता दे रहे हैं, कितनी वोल्टता दे रहे हैं? आंसर है 10, ठीक है? तो 10 वोल्ट बराबर कितना है? 6 I इंटू आर इक्वलेंट है। इस चीज को आप समझ लीजिएगा, या फिर आप इसे ई भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो मैं इसे यहां पर ई भी लिख सकता था, तो ये समझने लायक बात थी। अब इसमें लूप देखिए, तो हम बोलते हैं देखो लूप कोई सा भी ले सकते हो, ए से जाओ बी, बी से जाओ सी, सी से जाओ एफ और घूम फिर करके वापस से ए पर आ जाओ, ए से जाओ डी, डी से जाओ सी, सी से जाओ एफ और घूम फिर के वापस से आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए से जाओ डी, डी से जाओ जी, जी से जाओ एफ और फिर घूम फिर के वापस से आ जाओ। हमें वो लूप लेना है जिसमें बैटरी भी हो।
ए से जाओ एच, एच से जाओ जी, जी से जाओ एफ और घूम फिर के वापस से आ जाओ। ए से जाओ एच, एच से जाओ ई, ई से जाओ एफ और वापस से आ जाओ। ये जितने लूप मैं बता रहा हूँ ये आप सारे आप यूज कर सकते हैं, सभी से एक ही इक्वेशन बनने वाली है। ठीक है, ओके, काम करें। ऑल राइट, तो हमने काम करना चालू किया, ये समीकरण नंबर मैं एक दे देता हूँ। ठीक, अब देखिए काम करते हैं। तो हमने बोला कि लूप, समझिएगा लूप, लूप कौन सा ले रहे हैं, ए बी सी एफ ए, ये वाला साइड वाला यूज कर लिया, आप उनमें से कोई भी यूज कर सकते थे। ए बी सी एफ ए में, और किससे, के वी एल से। ठीक है, के वी एल से अपन क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब के वी एल से अगर हम काम करें तो समझिए, पहले तो बैटरी देखो, ऐसा लूप चल रहा है, कौन से निकले, प्लस से बाहर निकले, है ना, तो बैटरी वाला वैल्यू कितना लिखा जाएगा, प्लस का। ई का मान था कितना, 10 वोल्ट, तो हमने बोला 10, और ए की बैटरी है तो 10 लिख दिया। फिर ऐसा लूप जा रहा है, यू यू लूप जा रहा है, लूप की डायरेक्शन और धारा की डायरेक्शन दोनों ही सेम है, तो विभव पतन प्लस के ही लिखे जाने हैं सारे के सारे। ठीक, तो अब ये क्या होगा, आप समझिए, ये वाले भाग में आर गुणा होगा किससे, 6i से, तो हमने लिखा, सॉरी 6i नहीं है, 2i है, तो ये हो जाएगा 2i इंटू आर, ये तो होगा। इस वाले में देखो धारा किससे गुणा होगी, प्रतिरोध से गुणा होगी, तो ये हो जाएगा IR। और फिर इसमें देखो 2i किससे गुणा होगा, R से, तो ये हो जाएगा 2IR, डन हो गया ये। चलिए अब इसके बाद में इसको देखेंगे टोटल, तो ये कितना हो जाएगा, 2IR + IR + 2IR हो जाएगा 5IR = 10। ठीक, और 10 बराबर क्या है वो समझ लो, 10 बराबर है 6I × R इक्विवेलेंट, समीकरण एक से। ठीक है, बराबर में कितना, 5I × r। ठीक है, ये बात आई से आई कैंसिल, आर इक्विवेलेंट बराबर क्या आया, 6 का भाग लगा दो क्या, 5 R में भाग लग गया 6 का। R का मान जितना सवाल में दिया हुआ है उतना लिख दीजिएगा, R का मान इस वाले सवाल में 1 दिया हुआ है, तो ये हो गया 5/6 Ω। पता चल गया क्या, घनीय जाल का तुल्य प्रतिरोध, बहुत सिंपल है, जब आप एक बार कर लेंगे तो आप तो हाथों हाथ निकालना चालू करेंगे। ठीक है, ऑल राइट, तो ये हो चुका है हमारे पास में घनीय जाल का तुल्य प्रतिरोध। अब निकालते हैं धारा, तुल्य धारा, तो तुल्य धारा के लिए ये वाली इक्वेशन, समीकरण एक से पुनः, समीकरण एक से पुनः क्या है भाई, समीकरण एक से तो कुल धारा तो है 6I, गुणा होनी चाहिए R इक्विवेलेंट से, बराबर में है 10। ठीक है, तो 6I हमें ज्ञात करना है क्योंकि कुल धारा यही है। आर इक्विवेलेंट का मान है 5/6 इस सवाल में, बराबर में है कितना, 10, 6 से 6 क्या, सॉरी काटना नहीं, काटना नहीं है, क्यों, क्योंकि 6I कुल धारा निकालनी है हमें। ठीक है, तो अपन लिखेंगे 6 तो इधर चला जाएगा और 5 का भाग लग जाएगा, तो 6I = हो जाएगा 10 × 6/5, ऐसे तो होगा, ये तो इससे गुणा, इधर भाग 2 आ जाएगा क्या, कितना, 12 एम्पियर। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा लिखोगे इसके जस्ट आगे, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा 6I। ठीक है, फिर इसके बाद में वो लिखने के बाद में I बराबर कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। ये कुल धारा नहीं है, कुल धारा तो यही है बच्चों, लेकिन ये I मैंने क्यों निकाला, ये I निकालने के बाद में आप लिख सकते हैं क्या कि हर एक भाग में धारा निकालनी थी, तो आप बोलोगे देखो ए डी ए एच और ए बी, इनमें सभी में 2I जा रही है, तो था जी एफ ई एफ और सी एफ, इन सभी में भी क्या जा रही है, 2I जा रही है, तो आप लिखेंगे ए डी ए एच ए बी जी एफ ई एफ और सी एफ में प्रवाहित धारा कितनी, बराबर 2I, फिर 2 × I का मान कितना, 2, 4 एम्पियर हो गया उनमें। ठीक है, बची हुई 4 में I I जा रही है, इसमें 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 और इसमें। ठीक है, इनके नाम लिखो, इनमें प्रवाहित धारा बराबर I, और I बराबर कितना, 2 एम्पियर। इस तरीके से आप इस घनीय जाल की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा भी निकाल चुके,
कुलधारा भी निकाल चुके हैं और तुल्य प्रतिरोध भी निकाल चुके हैं। उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, ये बोर्ड का सवाल है बच्चों, ये जितने भी एग्जाम्पल के ना लास्ट वीडियो के अंदर भी और इसमें भी, ठीक है, ये सारे के सारे बोर्ड के सवाल है। चलिए आज के लिए इतना ही, हैव अ गुड डे, टेक केयर।